आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो कि पूरी दुनिया जिसके लिए जिसको ढूंढ रही है लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। वो है, हम तो बचपन से कर रहे हैं, हम करते हैं मेडिटेशन, वो है आध्यात्मिकता। अभी देखिए सब लोग पूरे भाग रहे हैं, किसी को पता नहीं कर क्या रहे हैं। लोग जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, शादी हो गई खुश नहीं है, खाना बना लिया टेस्ट नहीं आ रहा, किसी चीज से कोई इंसान खुश नहीं है। अगर आप आध्यात्मिकता में आगे जाएंगे तो आप जो भी करेंगे लाइफ में उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी जो है वो मैटर करती है लाइफ में। तो हम किसको फॉलो करते हैं, हम SRCM है, heartfulness.org। आप इस पर जाएंगे तो यू कैन सी एवरीथिंग। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मेडिटेशन करना उसमें सिखाया जाएगा। मेडिटेशन में होता क्या है एक्चुअल में, कई लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में मेडिटेशन होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि हम सांस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप सांस पे कंसंट्रेट करो तो आप मेडिटेशन कहाँ कर रहे हैं। मेडिटेशन में एक्चुअली क्या होता है, आप जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिस सुपर पावर ने, यू कैन सी दैट सुपर पावर फ्रॉम योर आइज इन दैट मेडिटेशन। जब आपको वो एक्सपीरियंस होगा तो इट विल चेंज योर लाइफ। वो कैसे, आप जब उस सुपर पावर से आप जब जुड़ेंगे तो आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी कि आपको कोई भी चीज़ मैटर नहीं करेगी। जॉब चलेगी कोई बात नहीं यार, अच्छा काम आएगा। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो। व्हेन यू आर कनेक्टेड तो आपको कोई डर नहीं रहेगा लाइफ में। लोग डरते हैं हर चीज़ से, जॉब कर रहे हैं यार जॉब चली ना जाए, यार मैंने ये बोल दिया, मेरी रिपोर्ट सही नहीं गई, मैं कहीं पे आया हूँ, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, यार मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सब लोग से कॉन्शियस रहते हैं हमेशा और अपनी लाइफ कोई नहीं जी पाता, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अगर आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, अगर आप हमारे यहाँ पे, हमारा एक आश्रम है आरकेपुरम में और एक आश्रम है हमारा गुड़गांव में, और वी हैव मैनी प्रिसेप्टर्स जो कि सिखाते हैं कैसे मेडिटेशन होती है, पूरी दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली से आते हैं गुड़गांव में, तो गुड़गांव में पूरे हर एरिया में सेक्टर वाइज प्रिसेप्टर्स जो हैं वो हैं, तो आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके घर जाके वो 3 सिटिंग्स देते हैं, तो उन 3 सिटिंग्स में आपको बताया जाता है कि कैसे मेडिटेशन होती है, क्या होता है, आपको लाइफ में क्या मेडिटेशन से क्या आपको करना है, वो सब उसमें बताया जाता है। तो वो जब आप मेडिटेशन जब 3 सिटिंग्स देंगे तब आपको, फिर हम क्या करते हैं इसमें अभ्यासी बन जाते हैं, अभ्यास करते हैं हम तो उससे अभ्यासी बन जाते हैं। तो ये है, तो आप को पता चलेगा कि लाइफ एक्चुअली कैसे जी जाती है, वो आपको आएगा जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। अभी देखिए मैं कोई टेंशन में नहीं बात कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ आप ये कीजिएगा, प्लीज़ आप, कुछ नहीं रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करेंगे ना, तो रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली। तो वो चीज़ है, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ इंजॉय करना शुरू करेंगे। लाइफ छोटी सी है, इसको जितना आप इंजॉय करेंगे उतना ही आपकी लाइफ अच्छी और स्मूथली चलेगी। जितना आप किसी चीज़ के बारे में चिंता करेंगे उतनी आपकी लाइफ का बेड़ा गर्क होगा। जैसे आप किसी चीज़ की चिंता कीजिए, जैसे आप समझ लीजिए आप खाना बना रहे हैं, यार इतने गेस्ट आ रहे हैं, खाना गलत ना बन जाए, नमक ज़्यादा होके रहेगा, मिर्ची ज़्यादा होके रही, कुछ ना कुछ गलत होके रहेगा खाने में, टेंशन की वजह से, सिर्फ टेंशन की वजह से, दैट इज़ द मेन थिंग। तो आप आइए हमारा SRCM गुड़गांव या आरकेपुरम, SRCM आरकेपुरम आश्रम आप डालेंगे तो आप, आपको पूरा एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, और आप heartfulness.org को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे मेडिटेशन होती है। उसमें आप बैठेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे रिलैक्सेशन कैसे होता है, और रिलैक्सेशन के बाद कैसे धीरे धीरे आप कैसे सीखेंगे एक चीज़ को। तो वो चीज़ इसमें जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखना शुरू करेंगे तब आपको एकदम से एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे हमारे घर में भी एक दो जो छोटे हैं उन्होंने ज्वाइन किया अभी, तो वो कहते कि कुछ पता नहीं चलता, वो एकदम से आपको पता नहीं चलेगा। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अभी आप जब सोते भी हैं ना तो आपको थाट्स आते हैं, तो वो थाट्स को आपको ज़ीरो करना है। जब आप थाट्स ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर आप उस कनेक्शन पे पहुंचेंगे, जब आप उस कनेक्शन पे पहुंचेंगे तब आपको वो एक्सपीरियंसेस होंगे। वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं पाऊंगा,
लेकिन वो एक्सपीरियंसेस तभी होंगे सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस को ही हम कहते हैं अभ्यासी। हम इसलिए जो भी ज्वाइन करते हैं उनको हम कहते हैं अभ्यासी। तो हमारे जो रामनाथ कोविंद थे वो भी ज्वाइन उन्होंने भी किया हुआ है, और अभी हमारे जो गुरुजी हैं मतलब दाजी कहते हैं उनको, उनका भी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत लोग जानते हैं, हमारा मेन जो आश्रम है वो है कान्हा में, वहाँ बहुत ही एडवांस लेवल पे बना हुआ है वो आश्रम। वहाँ पे जो बारिश होती है तो उसका भी पानी को सेव किया जाता है, तो वो बिल्कुल बंजर भूमि थी वहाँ पे, पूरा बंजर है और वो इतनी ग्रीनरी वहाँ पे आ गई है। तो सारे जो गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि ये कैसे डेवलप हुई ये चीज़, बहुत साइंटिफिकली बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यार से उसको उस आश्रम को बनाया गया। कान्हा नाम है, कान्हा शांति वन, ये आप ऑनलाइन डालेंगे कान्हा शांति वन आप यूट्यूब पे डालेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगा आपको। तो उसको आप वहाँ पे आप देखेंगे कान्हा आश्रम कैसे, वहाँ 1 लाख लोगों का खाना बनता है, कैसे होता है वो, फिर वहाँ पे जो खाना बनता है वो स्टीम से बनता है। आई मीन इतने हाई लेवल की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और अगर आप सोचेंगे तो जो हमारे गुरु हैं वो मतलब जो आपको एक्सपीरियंस हुआ तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है ये। आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आप समझ भी नहीं पाएंगे ऐसे। आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तभी आपको जब एक्सपीरियंसेस होंगे तभी आप इस चीज़ ये चीज़ कितनी डीप है। आप कोई भी आप जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, किसी मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं तो आप उस भगवान को देखते हैं और बोलते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, उस सब की ज़रूरत नहीं है। भगवान को जो बनाया है ना, भगवान को इसलिए नहीं बनाया कि हम उससे अपनी रिक्वेस्ट मनवाएं, पहली बात। दूसरी बात, वो जो भगवान है वो सिर्फ मूर्ति में दिख रहे हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप उसको लाइव देख सकते हैं, अपनी आँखों से, बंद आँखों से आप लाइव उस क्रिएटर को देख सकते हैं। तो उस जिस जब जिस दिन आपने वो क्रिएटर आपको दिख गया तो आपकी लाइफ ऐसे ही चेंज होगी कि आप सोच भी सकते हैं। तो जैसे आप किसी इंसान को देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, वो जब बैटिंग करता है तो कोई डर नहीं होता, तो वो डर जिस दिन निकल जाएगा ना तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू करेंगे। ये मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ ये बात, तो बस वही है। बस एक मेन बात ये बोलूँगा कि लाइफ में डरना छोड़ दीजिए, सो दैट इज़ अ मेन थिंग। और दूसरी बात, अगर आप आध्यात्मिकता में आएंगे तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे इससे, आपको रिलैक्स रहेंगे पूरा हर टाइम और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ये दो चीज़ें हैं, रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। स्ट्रेस आजकल सब लोग स्ट्रेस घूम रहे हैं, यार मेरे को तो बड़ी स्ट्रेस हो गई है आजकल, ये तो हेडेक हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा है अभी? टेंशन की वजह से। स्ट्रेस क्यों है? प्रेशर की वजह से। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइफ इन्जॉय करता हूँ, जो मन होता है वो करता हूँ, मेरे सारे काम अपने आप बनते हैं। यानी इमेजिन, जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके काम बिगड़ने शुरू होते हैं, जो आप टेंशन में होते हो तो जो आप कर रहे होते हो वो भी आप नहीं कर पाते सही से। सो ये मेन चीज़ है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, हमारे दाजी ने भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है इस बारे में, तो इसीलिए मैं आज पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप आइए, आरकेपुरम में आश्रम है हमारा, वहाँ पे आप आएंगे तो यू कैन ज्वाइन, और वहाँ पे आपको सब बताएंगे कैसे आप क्या एक अभ्यासी कैसे बन सकते हैं, रेगुलर मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। 3 बार आपको आना पड़ेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। आप कहीं और जाएंगे तो आपको पैसे भी लेते हैं, कई जगह रिलैक्सेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, चार्जेबल होते हैं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है हमारे। तो आप आइए और देखिए कि मेडिटेशन कैसे होता है, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए, जो आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, स्ट्रेस नहीं होगी, इन्जॉय करना शुरू करेंगे लाइफ को। तो आप क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ इन्जॉय करना? अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप आइए, गुड़गांव SRCM डालेंगे तो ऑनलाइन आपको एड्रेस आ जाएगा। वहाँ पे आप संडे को मॉर्निंग सत्संग होता है 7:30 आरकेपुरम में और गुड़गांव में, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप मॉर्निंग सत्संग तो आप तभी अटेंड कर पाएंगे जब आप पहले जुड़ेंगे। तो वहाँ पे सत्संग अटेंड करने के लिए 3 सिटिंग्स लेना ज़रूरी है, तो वो 3 सिटिंग्स देंगे उसके बाद ही आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको पहले आप आइए वहाँ पे, संडे को आप 9 बजे भी आएंगे तो चलेगा, 9 बजे 10 बजे आइए, वहाँ पे सब लोग होंगे, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि हमें ज्वाइन करना है, तो फिर आपको कोई प्रिसेप्टर बताएंगे कि कैसे सिटिंग लेनी है, क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या कैसे आप एक कैसे ये चीज़ की जाती है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, वो एक्चुअल में कैसे होता है, पूरी दुनिया करती है मेडिटेशन, उनको पता नहीं कैसे होती है। तो हमारे यहाँ पे आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे मेडिटेशन होती है, तो वो जो आप सीखेंगे और
सिंपल, बस मैं यही बोलूँगा कि लाइफ को सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड करना है या सिंपल करना है, ये आपके हाथ में। तो आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वहाँ आएंगे तो तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। आई डोंट नो, आपका मन है आप वो कर सकते हैं। आप दुनिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने आप को फॉलो कीजिए, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए। तो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, जो आप चाहते हैं वो करेंगे, या आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाएं, अगर आप पैसा कमाएंगे फिर टेंशन आएंगी, फिर टेंशन वगैरह से बिल्कुल आप दूर हो जाएंगे, तो वही मेन बात है। तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए। और संडे मॉर्निंग 9 AM यू कैन कम, क्योंकि सुबह तो 7:30 बजे तो सत्संग होता है, मतलब मेडिटेशन होता है, वहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन होता है, तो उस टाइम तो आप नहीं होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके लिए आप 9 बजे आएंगे तो आपको सब लोग एक्सप्लेन करेंगे। हमारा आश्रम कहीं पर, आप किसी भी सिटी में, आप अगर आप SRCM उस सिटी का नाम डालेंगे तो वहाँ का आश्रम का आपको एड्रेस आ जाएगा। सो यू कैन गो एट 9 AM एनी वेयर इन इंडिया, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और heartfulness.org इसको आप डाउनलोड करेंगे ऐप को।